राहुल को हाईकोर्ट को झटका। गुजरात हाईकोर्ट रो मिलिलानी आश्वस्ति। राहुल गांधी को आवेदन को खारज कले हाईकोर्ट। सूरत कोर्ट को राय रो पुनर्विचार पई करितबा आवेदन खारज होई जायछि। फलरे तल कोर्ट को राय को कायम रखिले हाईकोर्ट। राहुल को होइतबा 2 वर्ष जेल दंडादेश कायम रहिछि। संसदर सदस्यता पद मध्य फेरी पाई पेनी राहुल। मोदी सरने मामला रे राहुल को दंडादेश होइथिला। मोदी संख्या विवाद प्रसंग रे राहुल को 2 वर्ष जेल दंड सहित 15,000 जोरिमाना सुनाइथिले तलकोर्ट। याकु चैलेंज करी हाईकोर्ट को दरस्त होइथिले राहुल। दोषी सब्यस्त होबा परे राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य पदरु अयोग्य घोषित करा जायछि। 2019 साधारण निर्वाचन बेले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सरनेम बा उपनाम को नहीं आपत्तिजनक मंतव्य देते कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कर्णाटक कोलारे एक रैली प्रचार बेले राहुल गांधी एभली विवादीय बयान देते। मर्यादा भूली जाऊ संवेदनहीन वाक्य अनेक लोक आघात देते राहुल, जहां समग्र मोदी संप्रदाय प्रति अपमानजनक था। जहां बीजेपी विधायक तथा तत्कालीन गुजरात मंत्री पुर्णेश मोदी एक मानहानी मामला रुजु करते। यह मामलें दंडादेश शुणाई सूरत जिला कोर्ट। उस दौरान 2019 के लोकसभा के कैंपेन में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूरी पर कोलार में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उस जनसभा में श्रीमान राहुल गांधी ने सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की थी। तभी 2019 में हमने सूरत में चीफ कोर्ट में बदनक्षी का मुकदमा पेश किया था और 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों के दलील एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। बाद में उन्होंने कन्विक्शन स्टे के लिए सूरत की सेशंस कोर्ट में जब वो आए थे, वापस दोनों पक्षकारों की वकीलों की दलील हुई, बाद में वहां पर भी उनका कन्विक्शन स्टे निकाला गया, खारिज कर दिया गया। तब हमारे फैसले हमारे पक्ष में रहा। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है, बाद में आज का जो फैसला दिया गया है, तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है। दूसरा, एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तीसरा मुद्दा यह है कि जो एक्यूज है, एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस है। चौथा मुद्दा यह है कि इवन आफ्टर दिस केस व्हाट वी हैड, जो हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने, उन्होंने वीर सावरकर की जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है। ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है, रिविजन डिसमिस हो गई। अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके धमका के जेल में डाल के